अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जो लिस्ट बता रहे थे कि लेट हो रहा है, क्योंकि लेट आ रही है, लेकिन पेमेंट तो और वही नहीं है सर। आवंटन उस पे नगर निगम ने किया है, नहीं किसी ने किया। चलो समस्या लेकर अभी आप कलेक्टर साहब के पास आए और कहां से आए? बागड़ी से। क्या समस्या लेकर आए? हमारा वेतन 5000 मिलता है, 5000 में हमारी पूर्ति होती नहीं है, हमारे बाल बच्चे का क्या खिलाएं? कौन से विभाग में काम करते हैं आप? आदिवासी। कितने साल से काम? 2009 से लगे हैं हम, 15 साल हो गए हमको। क्या करते हैं छात्रावास में आप? रसोईन का काम करते हैं। कितने छात्रों का खाना बनाते हैं? 50 बच्चे का खाना बनाते हैं। तो क्या बोला कलेक्टर साहब ने अभी आप मिले? कलेक्टर साहब ने बोला आगे से शासन लेगी जो होगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? समस्या लेकर आए हम आया कलेक्टर के पास, समस्या हम वेतन कर लिए आया है, तो वेतन इनने के लिए हमारे पास नहीं हो, आगे से बढ़ेगा बोले। क्या काम करते हैं आप लोग? रसोई खाना बनाते हैं 50 लड़का का। कितने साल से कर रहे हो? 13 से 9 हज़ार 2 का लगे। अच्छा, क्या बोला कलेक्टर साहब ने? मेरा पास नहीं, जो संसार देगा तो आगे से बढ़ेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? चंपा भाई। समस्या को लेकर आए हैं अभी और कहां से आए हैं आप? कलेक्टर रेट के आवेदन दिया था कलेक्टर साहब को, कलेक्टर रेट के अनुसार वेतन मिले इसी से। अच्छा, क्या रेट मिल रहा था? क्या 5000 रुपये महीना मिलता हम सब कर्मचारियों को। हाँ, क्या काम करते हो आप लोग? क्या काम करते हो? हम बागली में वाटरमैन चौकीदार का काम करते हैं। और भी साथ में आपके महिलाएं भी आई है ना सब? ये क्या काम करती है अलग अलग? ये सब खाना वगैरह बनाते हैं सब। अच्छा, इनका वेतन क्या है? 5000 ही मिलता। अब आपका क्या मांग है, मतलब वेतन? कलेक्टर रेट दिया जाए हमको। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया कि आप जो शासन का नियम है वही दे सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे आप इससे? अब क्या करेंगे साहब, ये आश्वासन दिया हमको। ठीक है, आपका नाम बताओ। सुनील सिलोदिया। चर्चा के लिए पूछे और क्या कुछ चर्चा करिए? चंद्रशेखर आजाद नगर ऑरेंज मल्टी, अपने मैंटी मल्टी से आए हैं। वहाँ पर FS06 ब्लॉक है जो किसी और के नाम से आवंटित है, और वो वहाँ पर एक अर्जुन और सावित्री बाई नाम की एक महिला है जो कि अवैध रूप से ताला तोड़ कर वहाँ पर रह रही है, और वहाँ पर रहने वाली लेडीज़ हैं जो हमारे साथ में, इनके साथ में उनका जो लड़का है अजी को हरकतें करता है, गंदी गंदी बातें बोलता है, गाली बकता है, और वहाँ पर आए दिन गाली उगता करके सबसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, और उनका वहाँ पे है नहीं, वो शराब पी के वो सभी को लेडीज़ों को भी गलत गलत हरकतें करके और मतलब हरकतें करता है, बोलता है वो, तो आए दिन लड़ाई करता रहता है। किसका है वो फिलहाल में? वो मकान अपने कविता सेंधव नाम से किसी और के नाम से आवंटित है। हाँ। और वो ताला तोड़ के वहाँ पर जबरदस्ती रह रहे हैं। कितना समय से रह रहे हैं? उनको साल भर से अधिक हो चुका है। इसकी शिकायत हम थाने पर भी कई बार कर चुके हैं, और अपने कलेक्टर साहब को भी इसका दिया है, और नगर निगम में भी इसकी जानकारी दे चुके हैं, और उसकी वजह से जितने भी आसपास के जो भी ब्लॉक के लोग हैं वो सभी परेशान हैं। क्या चर्चा हुई है अभी आप कलेक्टर साहब को दिया है? उन्होंने बोला है कि हमें आश्वासन दिया है कि इसकी जो है कार्रवाई है, जो भी इसकी जाँच होगी वो जाँच करवा के आपको इसका निवारण होगा। आपका नाम? राहुल दरबार। आप कहाँ से पहुँचे हैं या कलेक्टर कर लो कैसे? मैं चाणक्यपुरी से आई हूँ और मल्टी में रहती हूँ। वो अवैध घर, मतलब जिसका घर है वो ताला तोड़ के रह रहे हैं, और जिसका है वो मतलब कि आए नहीं है, और दारू पी के रोज झगड़ा होते हैं, माँ बेटे दोनों लड़ते हैं, और हमारी गुड़िया पे भी असर पहुँच रहा है, गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं, और इशाराबाजी से बुलाता है और छेड़खानी करता है। नाम है उसका सावित्री बाई, उसका लड़का भी है, उसकी बीवी भी है, उसका नाम, लड़के का नाम अर्जुन है। कितने समय से रह रहे हैं वहाँ पे वो? वो लोग 1 साल हो गया है। तो उनका ही मकान है क्या वो? हाँ, उनका मकान नहीं है, वो ताला तोड़ के रह रहे हैं। किसके नाम से मकान है वो फिर? आवंटेड अभी कविता भाई के नाम से। अच्छा, अभी कलेक्टर साहब से मिले, क्या कुछ चर्चा हुई आपकी? यही चर्चा हुई है कि आप करेंगे जाँच। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम पूनम सोनी है। मैं यही चाहती हूँ कि उनसे खाली करवाया जाए। आज आप कलेक्टर कार्यालय पहुँचे थे मिलने, क्या समस्या आ रही है और क्या अभी आश्वासन मिला है? समस्या ये है कि सरकार के तरफ से तो हमें ऑर्डर मिल चुका है कि हम सारी फाइलें भर सकते हैं, कि थर्ड जेंडर को
हर चीज़ में यानी फॉर्म भरने का अधिकार मिल चुका है, लेकिन अगर हम किसी कार्यालय में जाते हैं तो वो वहाँ जाओ, फिर उसके बाद दूसरे कार्यालय में जाओ। आज मैं सोनकच से हैं, सोनकच वाले भैया ने बोला कि आप सीधा कलेक्टर ऑफिस जाओ, वहाँ से आपका ट्रांस कार्ड बनेगा। जब तक हमारे पास कोई आईडी प्रूफ नहीं होगा तब तक हम कोई फॉर्म कैसे भर पाएंगे। मेन मुद्दा मेरा ये था, मैं इसीलिए अभी कलेक्टर ऑफिस आई और सर ने बोला, फिर उन्होंने मुझे एडीएम सर के पास भेजा, उन्होंने मुझे अब ये नंबर लिख करके दिया है। देखते हैं अब यहाँ पे क्या सुनवाई होती है, फिर आगे देखते हैं। वोटर लिस्ट में भी नाम आपका नहीं जुड़ा, वो भी जुड़वाना चाहते हैं? हाँ, मैं जुड़वाना चाहती हूँ, कुछ राजनीति से जुड़ना चाहती हूँ, इस वजह से। मेन मुद्दा मेरा ये, कहाँ से आए हैं अभी? प्रॉपर रहने वाले कहाँ के? हरियाणा। यहाँ सोनकच में कितने समय से रहते हैं? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से आपने प्रोसेस नहीं करी इस चीज़ को लेकर? प्रोसेस इसलिए नहीं करी कि उस टाइम से इतनी जान पहचान नहीं थी मेरी। आप जैसे और भी हैं जो परेशान हो रहे हैं इसके लिए? बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन कई लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, और कई लोग सोचते हैं कि हमारे समाज को भी एक दर्जा मिले समाज में, इसी वजह से मैं थोड़ा सा आगे। राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है आपका, किससे प्रभावित हूँ यहाँ भी इसको लेकर? किससे प्रभावित नहीं, मैं ये चाहती हूँ आजकल के नेता क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे पालने के लिए। मैं तो साफ सीधी बात कहती हूँ कि एक नेता जो अपने बच्चे पालने के लिए राजनीति में आता है, और मैं किसके लिए राजनीति में आऊँगी? कौन से मेरे बच्चे हैं? मेरे तो आम पब्लिक ही है, मेरी कमाई उसमें जाएगी, मेरे आम पब्लिक में। मैं तो ये चाहूँगी ना कि मेरे बच्चे जीते रहें, उनके लिए मैं दुआ करूँगी, मैं अपनी सारी मेहनत तन मन धन से उनका साथ दूँगी। बस मेन मुद्दा मेरा यही है कि आए दिन राजनीति में नए नए खेल चल रहे हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं सोनकच से मंजू भाई जागीरदार की चेला मार्क्सिंग।